भागलपुर पुलिस ने 5 जुलाई की रात सबौर थाना क्षेत्र में हुए आम व्यवसायी हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सोमवार को सिटी SP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पकड़े गए अपराधी के संबंध में सिटी SP श्री राज ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। SP ने बताया कि 5 जुलाई की रात सबौर थाना क्षेत्र के मसाड़ू पुल के समीप 5 अपराधियों ने लूटपाट के दौरान समस्तीपुर के आम व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्याकांड के सफल उद्भेदन के लिए सिटी SP की निगरानी और विधि व्यवस्था DSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने 48 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार और खून से सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी SP ने टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात भी कही। 5 जुलाई को सबौर थाना अंतर्गत रात्रि में एक पिकअप जिस पर आम लोड कर समस्तीपुर जा रहा था, जो कि गाँव से होकर आ रहा था, इसमें जो है कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा छीन छोर के क्रम में वाहन मालिक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में ड्राइवर के द्वारा बयान पर FIR दर्ज किया गया, जो कि 250/24 केस नंबर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसमें SDPO विधि व्यवस्था श्री चंद्रभूषण, DIU की टीम, थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाली पूरी टीम कार्य कर रही थी, और 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जो कि विनोद मंडल पिता सुखारी मंडल, दूसरी ममलका, दूसरा आशीष कुमार पिता सत्यनारायण पासवान, तीसरा राहुल कुमार पिता प्रमोद मंडल। ये तीनों सबौर थाना के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में भी इस पूरे घटना का उल्लेख किया और अन्य 2 साथियों का भी नाम बताया, जिस पर वीडियो छानबीन की जा रही है। इसमें पूरे मामले में 3 मोबाइल, जो घटना में प्रयुक्त चाकू है, उसको भी बरामद किया गया, तथा खून लगा इन अपराधियों के कपड़ों को भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे जो सफलता है, इसमें विवेक कुमार जायसवाल थानाध्यक्ष सबौर, रंजीत कुमार DI प्रभारी, धनंजय DI प्रभारी, धर्मेंद्र कुमार सबौर थाना, बिट्टू कुमार कमल, सतीश कुमार, रामानुज कुमार, सुशील कुमार DI, हेमन्यु कुमार DI, इन सभी ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर में यह अज्ञात मामला को सफल उद्भेदन किया गया है। इस पूरे टीम को इतने अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्णिया के रुपौली में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दावा किया है कि रुपौली में NDA उम्मीदवार की जीत होगी। वहीं उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव चुनाव में हाथ पैर जोड़कर जीते, लेकिन अब जनता से ही वसूली का काम शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर से फीस घटाने की बात हो या फिर जाँच घरों से पैसे कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा है, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, इसके बाद वह शांत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भी सोचते हैं कि जल्दी फीस कम हो। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव कब तक डॉक्टरों की फीस कम करवाते हैं। वहीं सांसद पप्पू यादव पर हुए FIR पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, जिस जनता का पप्पू यादव हाथ पैर पकड़कर वोट मांग रहे थे, अब उनकी गर्दन पकड़ रहे हैं। वहीं रुपौली में NDA उम्मीदवार की जीत का मंत्री ने दावा किया है। पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है? पप्पू यादव भी लड़ रहे थे, बीमा भारती भी लड़ रही थी, दोनों लड़के देख लिए। रुपौली हम लोग भले लोकसभा हम लोग का गड़बड़ा गया, लेकिन रुपौली हम 25,000 ऊपर से वोट से जीते हैं और इस बार भी NDA वहां से हर हाल में जीते, बिल्कुल पक्का। देखिए, बड़े पैमाने पे PhD के टेंडर रद्द किए गए हैं, 2 टर्म में किया गया, लगभग 820 करोड़ का एक बार रद्द किया गया और फिर बाद में जो भी बचा हुआ था सारा रद्द कर दिया गया, लगभग 4400 करोड़ का टेंडर रद्द हुआ है और जल्दी ही इसी महीने टेंडर को भेज दिया जाएगा, पुनः फ्रेश टेंडर होगा, नए तरीके से टेंडर होगा। अभी तक जो काम हुआ है उससे बेहतर तरीके से हम काम करने का प्लान किए हैं, हम लोग और हाईटेक तरीके से कहीं उसको करने जा रहे हैं, कहीं कई चीज हम बदलाव कर रहे हैं।
कई हमारा टेंडर में टोला छूट गया था, गांव छूट गया था, कई घर छूट गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे और उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा, हमने तय किया है कि 6 महीने में जो बीमारी है इसका हर हाल में उसको दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे और हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। और नए तरीके से हम लोग ये करने जा रहे हैं, जो वाटर का वेस्टेज होता था जैसे गांव में नल लगा हुआ है, बच्चे खोल के छोड़ देते, पानी बहते रहता था, तो हमने उसको चेंज करने का प्रावधान किया है कि वहां पूछ टॉक होगा, जितना देर दबा कर रखे उतना ही देर पानी मिले, खोल के कोई छोड़ नहीं सकता है, खोलने का सिस्टम नहीं। दूसरा है कि अभी हम लोग सोलर से काम करेंगे क्योंकि कभी बिजली कट जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी वायर गिर जाता है, तो पानी बंद रहता है, तो पानी बंद होगा तो फिर काम कैसे चलेगा, बिजली 2 घंटा ना रहे काम चल जाएगा, लेकिन पानी का जरूरत पड़े पानी नहीं रहेगा तो मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। हर टंकी के ऊपर सोलर होगा, उसमें नीचे लाइट भी होगा और उसको हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से करने जा रहे हैं कि स्वतः ऑटोमेटिक अपने पानी टंकी भरेगा और अपने आप टाइम से लोगों को पानी देगा। ये तमाम बदलाव करने जा रहे हैं और जो भी गड़बड़ियां हैं सबको दुरुस्त करते हुए अब जो नया काम होगा हम लोगों का प्रयास है उसमें नए तरीके से काम होगा। भागलपुर के डीएसएच ऑफिस में संविदा पर कार्यरत एएनएम ने सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही एएनएम का कहना था कि उन्हें संविदा पर नियुक्त किया गया था और वे 4 साल से काम कर रही है, लेकिन उनके वेतन में अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रदर्शनकारी एएनएम वर्षा कुमारी का कहना है कि उन्हें एडवांस में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कहा जाता है, जिसका वे लोग विरोध कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी हालत में एडवांस उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगी और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग को नियमित किया जाएगा और एचएससी में सारी सुविधा दी जाएगी। कौन दवा बनाता है फेक ऊपर से कि नहीं, आप लोग फेक अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और एचएससी में सारी सुविधा दी जाए, उसके बाद ही फेक अटेंडेंस। कहाँ पर आप लोग कार्यरत है? हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अपना नाम बताइए। वर्षा कुमार। भागलपुर में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा कई मुद्दों पर बैठकें की जा रही है। भागलपुर सदर, नवगछिया, कहलगांव, बांका और मुंगेर के लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने केस का निष्पादन करा सकते हैं। इसी उद्देश्य से सोमवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एडीजे, सीजीएम और जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर शाखा के सचिव ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने वादों का निष्पादन कराएं, जो बिल्कुल पूरी तरह निशुल्क है। जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसको हमें अधिक से अधिक सफल बनाना है और आज हरी झंडी ग्रामीण दक्षिण ग्रामीण बैंक द्वारा जो है हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे माइकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक गाँव ग्रामीण क्षेत्र के केस जो है डिस्पोजल हो पाएंगे। कितने गाड़ियों? आज 2 गाड़ियों को रवाना किया गया है। कौन कौन? आज कार्यक्रम के दौरान हमारे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, एडीजे साहब, सीजीएम साहब और आरएम साहब और मैं डीएलएससी सेक्रेटरी खुद यहाँ मौजूद होकर गाड़ी को हरी झंडी दिखाई।